ख्वाहिशें इतनी करो कि आसमां तक जा सको, ख्वाहिशें इतनी करो आसमां तक जा सको और दुआ इतनी करो कि खुदा को पा सको। नमस्कार, मैं हूँ क्रिस तारा कृष्णा शर्मा, ज्योतिष आचार्य। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम एस्ट्रो मा। चलिए आज जो है, आज का जो प्रोग्राम है उसकी खूबसूरत जो सफर है उसकी हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी अगर कोई भी समस्या या कोई भी समाधान, यानी कोई भी समाधान जो समाधान चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है या कोई समस्या जो भी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हमारा जो है आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज हम बात कर लेते हैं अपनी राशियों के बारे में भी, क्योंकि हमारी राशियां क्या कहती हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात हम अपनी करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों, आज के लिए आपका कैसा रहेगा दिन और क्या क्या हानियां हो सकती है और क्या क्या जो है आपको लाभ हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे, आज धन की हानि की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। थोड़ा सोच समझ कर अगर निवेश करते हैं तो आपके लिए बेहतर हो जाता है। लौंग हनुमान जी को चढ़ाएं तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी को लौंग चढ़ाने से आज का दिन आपके लिए बेहतर हो जाता है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए भी आज का दिन क्या कहता है भाई, बताना चाहेंगे आपके लिए आज का दिन जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि पुराने विवाह से दूर रहें, अन्यथा जो है आप फंस सकते हैं। आप जो है पुरानी विवाह से जितना दूर रहेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज वाहन संबंधी परेशानी हो सकती है, सोच समझ कर वाहन चलाइएगा, हो सकता है कहीं आपको कोई नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर आज क्या करना है, आज ये करना है, आपने मीठी दही खाकर यदि घर से बाहर निकलते हैं तो आपके लिए आज का दिन बेहतर हो जाता है, क्योंकि दही खाना वैसे भी शुभ माना गया है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए भी बता देते हैं भाई, मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ कहना चाहेंगे, आपके राशि का स्वामी बुध है तो थोड़ा बुध को प्रसन्न कर रखिएगा। आज जो है आपका प्रेम संबंध जीवन साथी के जो साथ में है उसके साथ में थोड़ी सी जो संबंध है उसमें सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। ओम वासुदेवाय नमः का जाप करें, इससे जो है आपके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि प्रेम के मामले में अगर हम जो बात कहते हैं तो वो जो है हम वासुदेव का नाम जरूर लेते हैं। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है, मगर उससे पहले एक बार फिर कहना चाहेंगे दर्शकों से, यदि है कोई समस्या या कोई सवाल आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फलों से होगी मनोकामना पूरी, जी हाँ, फलों से कैसे मनोकामना पूरी होगी आप क्या सोच रहे हैं, कौन से फल, जी हाँ कर्म फल तो होते ही होते हैं, मगर वो फल जो आप मंदिरों में जाके चढ़ाते हैं, मगर कौन सा फल जो आपके लिए बेहतर हो सकता है उन फलों के बारे में बताएंगे। यदि आप फल की प्राप्ति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भगवान हमारी झोली में हमारी मन वांछित फल की जो हमारी जो प्रार्थना है जो भी है उसको पूर्ण करे, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप जो है भगवान के मंदिर में या कहीं धार्मिक स्थल में जाते हैं तो वहां पर जहाँ भागवत कथाएं हो रही होती है, पूजा कीर्तन या फिर जगराते या कुछ भी हो रहा होता है, तो ऐसी जगह जगह जाते हैं तो वहां पर फल जरूर ले जाइए यदि फल की कामना करते हैं। और फल की कामना जो व्यक्ति करता है फल उसी को मिलता है जो फल चढ़ाता है, भाई दोगे नहीं तो आएगा कैसे। जी हाँ, हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजेश जी स्वागत है आपका। थैंक यू। हाँ जी स्वागत है जी, बताइए सबसे पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म समय बताइए, फिर उसके बाद सवाल पूछिए। 15/6/78 जी, और समय बताइए। जन्म का समय जन्म सुबह 8 बजे जी। क्या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं, मेरा फ्लोर काम में चलने लगता है और कुछ मेरे ग्रह चल रहे हैं घर परिवार में काम के लिए। देखिए आपके राशि और लगन जो स्वामी हैं वो है बुध, और बुध को यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे कहेंगे हमारा कारक ग्रह भी है, आपका कहीं मन नहीं लगता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती है, तो यहाँ पर अभी गुरु की महादशा चल रही है, मन की तो बात अलग है और साथ ही जो है कहीं ना कहीं आपके साथ जो समस्या बनी हुई है वो समस्या क्या है कि आपका कोई भी कामकाज भी होता है जो भी उसमें कोई ना अड़चन आ जाती है, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं,
थोड़ा गुरु को ऊंचा करिए, बुध को हमें ऊंचा करना है। बुध के लिए यहाँ बताना चाहेंगे आप पक्षियों को बाजरा डालिए, और गुरु के लिए यहाँ बताना चाहेंगे केसर का तिलक लगा के रखिए, हो सके तो पुखराज पहन लीजिए। 2026 तक इस तरीके के योग बने हुए हैं, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। संगीता हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं संगीता जी। नमस्कार जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनकी जन्म तिथि और जन्म समय बताएं। 21 नवंबर 1974। और समय बताएं? समय मैडम मुझे पता नहीं है, दिन का है या रात का थोड़ा सा ये तो मुझे पता नहीं है। चलिए कोई नहीं, आप सवाल पूछिए। वो बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनका मन अशांत रहता है, तभी वो ठीक भी होंगे कि नहीं, नौकरी में भी बरकत नहीं है बिल्कुल भी। संगीता जी यहाँ पर जैसे आपने बात की, ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से इनका जो स्वभाव है बहुत पहले से ही चिड़चिड़ा सा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी हम कुंडली में देखते हैं मंगल का जो प्रभाव है, इनके जो है लगन भाव पे जो दृष्टि डाले हुए है उसकी वजह से जो है इनका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा है। किसी के साथ ये अपनी मनमानी करते हैं, अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। यदि आप अपनी बात इनके ऊपर रखते हैं तो कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर सकते हैं। तो एक चीज इनके लिए बताना चाहेंगे, आप इनके तकिए के नीचे चावल रखिएगा, थोड़े से चावल रख दीजिएगा, इससे जो है हमारा कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है हम इनको साथ देगा, सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है, थोड़ा गुस्सा भी शांत रहेगा, ये करके देखिए। और जब भी आप पानी पिलाते हैं तो हो सके तो अपनी अनामिका उंगली को उसमें शहद में डालने के बाद उसमें घुमाइएगा, ओम चंद्राय नमः बोलते हुए इस पानी को पिलाइए, उनका गुस्सा शांत होगा और उनके कामकाज में तरक्की होगी। पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। पवन जी स्वागत है आपका। जय मैडम, जय माता दी, जय माता दी। मैडम मेरा जन्मतिथि है 21/8/90 सुबह 6:35 दिन मंगलवार। सुबह कितना बजे? एक बार टाइम फिर से बताइए। 6:35 जी। अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं जी। मैडम हमारी नौकरी नहीं लग रही है और शादी के बारे में पूछना है। चलिए पहले नौकरी जरूरी है, बाद में शादी का होता है। तो यहाँ पर आपने बात की है कि हमारी जॉब वगैरह के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए था, क्योंकि आपके लगन में जो है यहाँ पर सिंह लगन के हैं जिसमें सूर्य बैठा हुआ, बुध बैठा हुआ। कोशिश जारी रखिए, सूर्य की पूजा आराधना आपके लिए बेहतर रहेगी। और एक चीज और मैं बताना चाहेंगे, आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है जिसकी पूजा आराधना करवा लीजिए, अन्यथा क्या होगा कि आप कभी भी कोई भी काम में आप जो हाथ डालेंगे आपका कामकाज नहीं होगा। तो कालसर्प की पूजा करानी है, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। जय भोलेनाथ। प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ मैडम, ये है कि हम प्रदोष व्रत रहते हैं जी। सबसे पहले आप जन्म तिथि और जन्म समय बताइए। 23/10/69 जी। और समय बताइए। 23/10/69 जन्म का समय बताइए। हाँ रात को लगभग 11 बजे लगभग है। लगभग जी। सवाल पूछिए। हाँ मैडम, हम तो दोस्त प्रोत रहते हैं लेकिन हमारा कोई काम हो नहीं पाता मैडम, हम जमीन का काम करना चाहते हैं, क्या सफल होंगे? चलिए बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपकी कुंडली में यहाँ देख रहे हैं आपका कोई भी भूमि से संबंधित कोई अगर काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ऐसी चीजें, और हाथ में पैसे वगैरह, भाई के साथ में भी थोड़ा सा अनबन भी हो सकती है, चाचा ताऊ के साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मंगल नीचस्त है। और आपने बोला है कि हम कैसे सक्सेस हो पाएंगे, काम कैसे कर पाएंगे, आपके लिए यहाँ एक चीज बताना चाहेंगे, एक मोर पंखी उसमें चंदन का इत्र लगा के रखिए और शंकर भगवान की पूजा आराधना कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको जो है यहाँ पर बेहतरी यहाँ पर नजर दिखाई दे रही है। मगर उसके लिए जरूरी है ये थोड़ा सा उपाय कर लें। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ केतु की महादशा चल रही है, आपने कुत्ते को रोटी खिलाना है, वो भी कब? सोमवार के दिन, जो आपके लिए बेहतर होगा, ये करके देखिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय भोलेनाथ। चलिए हम बाकी राशियों के बारे में भी बता देते हैं, बाकी राशि के लिए कि आज का दिन कैसा रहेगा और क्या करें खास उपाय। बाकी राशि के लिए हम बताना चाहेंगे, क्योंकि वो है हमारी चौथी राशि कर्क राशि वालों, आपके लिए रहेगा कि स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। और साथ ही एक चीज और बताना चाहेंगे, किसी को उधार ना दें, क्योंकि उधार देंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। पारिवारिक विवाद से दूर रहें तो बेहतर होगा। आज के दिन यदि घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर जरूर निकलें, या घर में कोई भी बड़ा हो उसका आशीर्वाद जरूर लीजिए। हम अपनी अगली राशि की भी बात करते हैं। सिंह राशि वालों, आज के लिए क्या है? आज के लिए आपको बताना चाहेंगे, आत्मविश्वास की जो है बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, मगर उसके लिए एक चीज है, क्रोध को कम करें, क्रोध से बचने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। और आज के दिन आप जो है किसी भी धर्म स्थान पे जाकर यदि गंगा जल दान करके आते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हम अपनी अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों,
आपको क्या करना है कन्या राशि वालों के लिए है कि आज जो है आपका दिन कैसा रहेगा। धन लाभ और लंबी यात्रा के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक चीज करनी है, चीनी वाला जल जो है पीपल के जल में चढ़ाया ये, क्योंकि पीपल की जड़ में जब चढ़ा के आते हैं ये पानी तो आपके लिए लक्ष्मी के योग और भी ज्यादा प्रबल बन जाते हैं। तो दर्शकों से एक चीज और मैं बताना चाह रही थी, जब हम बात कर रहे थे फलों की, तो फलों के लिए यहाँ बताना चाहेंगे कि फलों के लिए यहाँ पर मनोकामना कैसे पूरी होती है। यदि आप नौकरी से संबंधित या अपने शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो आप नारियल लीजिएगा। नारियल में अपने आप 11 रुपए या 101 रुपए लपेटने के बाद, मौली से लपेटने के बाद आप चढ़ा दीजिए। यकीन मानिए ये फल चढ़ाने से आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। अगर हम और भी चीजें कहते हैं कि भाई और क्या क्या चढ़ा सकते हैं, तो वो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके के फल है कि आप उन फलों को यदि चढ़ाते हैं तो इससे आपके परिवार में आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। मोहम्मद खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। मोहम्मद खालिद जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले अपनी जन्मतिथि। मैम 12/6/1989, समय दिन बुध का, समय 10:11। कितना एक बार समय फिर से बताइए। 10:11। ये दिन का है? बुधवार मैम। नहीं दिन का है या रात का? नहीं दिन का मैम, दिन का जी। सवाल बताइए। मैम मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें अनुपस्थित हो जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ जानना चाहती हूँ मेरी नौकरी का क्या योग बन रहा है, लगेगी नहीं लगेगी जी। अभी आपने कहीं अप्लाई किया है? हाँ मैम, मैं 2-3 बार अप्लाई कर चुका हूँ, और वैसे शिक्षा विभाग में संविदा में रह चुका था, बट वहाँ पे भी पता नहीं क्या हुआ, मेरा काम थोड़ा वहाँ बिगड़ गया वहाँ से। चलिए एक चीज है, आपके धर्म के हिसाब से भी बताएंगे और वो काम कर सके जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मोहम्मद खालिद जी आपको बताना चाहेंगे, आप जौ लीजिएगा। जौ लेने के बाद उसमें अगर दूध के छिट्टे डालकर अपने सिराने रख लीजिए। मंगलवार की रात को, बुधवार को अपने पक्षी को या फिर किसी गाय को डाल दीजिए। और एक चीज और है, राहु का एक उपाय आपने करना है, घास होती है घास में पानी जरूर डालिए, क्योंकि राहु का निवास घास में रहता है। और अभी आपकी राहु की मां दशा चल रही है, होते होते काम रुक जाते हैं। फर्ज की जो सुबह की जो नमाज होती है जरूर पढ़ा करें, आपके जो काम में जो अड़चन आ रही है वो आपके ऊपर वाले की कृपा से दूर हो जाएगी। जय भोलेनाथ। चलिए बाकी भी हम राशियों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम बाकी राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा ये भी जानना जरूरी है। तो तुला राशि वालों के लिए बात करते हैं, आज के लिए आपके लिए क्या है। आज का दिन रिश्तेदार और परिवारों से आपको लाभ हो सकता है, तो उनसे जरा बना के रखिए, कोई लाभ होने की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। नए कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और आज के दिन का जो आपके लिए उपाय है वो बताना चाहेंगे, चंदन का तिलक लगा के जाते हैं तो यकीन मानिए आज का दिन आपके लिए बेहतर हो जाता है। हम अपनी अगली राशि की भी बात करते हैं, क्योंकि अगली राशि वृश्चिक राशि आपके बारे में बताना चाहेंगे कि आज आपके लिए कैसा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, लोगों से तालमेल थोड़ा सा अच्छा बना के रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और साथ ही चमेली का तेल यदि हनुमान जी पे चढ़ाते हैं तो आपका मंगल जो है और भी ज्यादा प्रबल हो जाता है। हम अपनी अगली राशि, जी हाँ धनु राशि वालों, आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। भाई आपका आज का दिन क्या कहता है, धन हानि से बचें और शारीरिक सुख में जो कमी होगी उस पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आप किसी के साथ में लेन देन ना करें, अन्यथा आपको जो है कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। गणेश जी को यदि दुबा चढ़ाते हैं, दुबा यानी कि घास जिसमें 3 तरीके की पत्तियां निकली होती है, उस दुबा को 11 की संख्या में लीजिएगा और जाके गणेश जी को चढ़ाइएगा, आपकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो हम अपनी राशियों के बारे में तो बता ही चुके हैं, मगर हम बात करेंगे फलों के बारे में। फलों से होगी मनोकामना पूरी, ये चीज तो हमने आपको बताया है, मगर यहाँ पर कौन से फल। फल केला, सेब, संतरा, शरीफा और अनार आदि से परिवार में सुख और समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि जहाँ तक मैंने अनार की बात की है, यदि आपके परिवार में बहुत ज्यादा अलगाव पैदा हुआ है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप अनार लीजिए, क्योंकि अनार के जो दाने हैं आपस में जुड़े रहते हैं, उसी तरीके से परिवार के सभी सदस्य आपस में जुड़े रहेंगे। यदि संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो केला आपने भगवान कृष्ण को चढ़ाते हैं या फिर आपने शिव जी को चढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में संतान प्राप्ति की जो योग है वो और ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, रंजना जी स्वागत है आपका। संजना जी स्वागत है आपका। हेलो जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, बताइए सबसे पहले जन्म तिथि और जन्म समय बताइए, फिर सवाल पूछिए। 15/12/1985। और समय बताइए।
समय मैम थोड़ा ध्यान नहीं है। हाँ सवाल पूछिए फिर। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो आपको पति की डेट ऑफ बर्थ पता है? हाँ जी पति की डेट ऑफ बर्थ थी 15/12/1985। हाँ जी सवाल पूछिए सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती है? मैं अपने पति के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब लगेंगे या नहीं लगेंगे। चलिए आपने बात की है गवर्नमेंट जॉब के लिए कि लगेगी कि नहीं लगेगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पति की जो कुंडली के हिसाब से यहाँ पर जो हमने निकाली है, आपने टाइम नहीं बताया मगर हमने अपनी कुंडली के हिसाब से यहाँ पर मकर राशि शनि की, यहाँ पर शनि की दृष्टि यहाँ पर देख रहे दशम भाव में अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो है इनकी जॉब वगैरह में यहाँ पे प्राइवेट जॉब के प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें मगर 70% जो है इनके योग है, अन्यथा इतने तो नहीं है। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं इस समय कहीं पर, तो उसी में थोड़ा ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, यकीन मानिए आगे आने वाले समय में इनके लिए अच्छा रहेगा और कुछ अपना भी प्राइवेट काम कर सकते हैं। जय भोलेनाथ। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। विशाल सबसे पहले अपनी जन्म तिथि जन्म समय बताएं। मेरा 8/9/10 9/10 जो 1995। और समय बताइए। समय 7:30 सोमवार सुबह के दिन में सुबह में 7:30। हाँ जी सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ नौकरी के लिए अप्लाई किया हूँ फिर भी आ नहीं रहा है और पढ़ाई लिखाई पता नहीं क्यों खराब चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपके लगन के स्वामी यहाँ पर तुला लगन के हैं और साथ ही राशि आपकी मीन राशि है। मीन राशि के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्वभाव आपने बात किया यहाँ पर हमारा गुरु ही हमारा जब साथ ही नहीं देगा तो आपके काम काज में तो अड़चन आएगी। इस समय जो है शुक्र की महादशा चल रही है, 2027 तक रहेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा चींटियों को चीनी डालना और किसी भी जो काने व्यक्ति होते हैं उनको शुक्रवार के दिन अपने ऊपर से संतरे उसार कर आपने जो है उसको दान करना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अभी आने वाले समय के लिए यदि मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर 70% यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हमें उच्च का बनाना है, अच्छा बनाना है। शनि बकरियों के बैठे, आपने सरसों का तेल का दीपक जलाना है और शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करनी है। यकीन मानिए आपकी जॉब में आने वाली अड़चन दूर हो जाएगी। जय भोलेनाथ। हम बाकी राशियों की भी बात कर लेते हैं। बाकी राशियों के लिए हम बताना चाहेंगे मकर राशि वालों आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों आज जो है हो सके तो आप षड्यंत्र से थोड़ा दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों से बात ना अपनी शेयर करें क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है अपने दिल में रखिए, दोस्तों से शेयर करेंगे वो आपको हानि पहुंचा सकती है। आज जो है क्या करना है, उपाय आपके लिए कुछ नहीं है, यह है कि आज के दिन चावल ना खाएं क्योंकि चावल खाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है आपके साथ में कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। कुंभ राशि वालों आपके लिए भी आज का दिन क्या कहता है, कुंभ राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे। आज का दिन आपके लिए कुंभ राशि वालों भाग दौड़ में बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि भाग दौड़ में जो आपका जो समय है वो ऐसे ही व्यतीत होता रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और विद्यार्थियों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, आगे बढ़ना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी आपके लिए अच्छा है। और शादीशुदा जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन ठीक नहीं है तो थोड़ा हो सके पति पत्नी आपस में जो है स्वभाव आज का दिन जो है चुपी रहे तो अच्छा रहेगा वरना अन्यथा झगड़े होने के यहाँ पर आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या करना है आपको, करना यह है कि आज जो है गुड़ का सेवन करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है, मीठा बोलेंगे तो मीठा ही पाएंगे। हम अपनी अगली राशि मीन राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे आपको क्या करना है। क्रोध से काम बिगड़ सकता है, क्रोध पर आपको काबू रखना है। पैरों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, ठंड का मौसम है तो थोड़ा ध्यान रखिए, अपने पैरों की तकलीफ हो सकती है तो थोड़ा ध्यान रखिए। आज के दिन आपको क्या करना है, तेल दान कर दीजिए, तेल दान करेंगे आपके पैरों से संबंधित जो समस्या वो दूर हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं आज के खास टिप के, तो वो टिप क्या है, आज आपने क्या करना है। यदि आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले अपने पास एक 10 का नोट रख लीजिए और ये कामना करके कि आज हमारा कार्य पूरा हो जाए ये करते हुए अपने मस्तक से लगाइए, अपने पास रखिए। जब कार्य पूरा हो जाए और वहाँ से जब वापस आए तो किसी भी अपाहिज व्यक्ति को यदि देते हैं तो यकीन मानिए आपका कार्य भी पूरा हो जाएगा और आपका आज का दिन अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें आज हमने आपको बताई मगर कल एक नए विषय के साथ में नए उपाय के साथ में आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे कार्य करते रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय भोलेनाथ।